बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स 11 क्लास चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 लेक्चर नंबर 4 के साथ मैं हूं फाजिल तस्लीम इकबाल सिद्दीकी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 21 में जिसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, जो हमारे पास एक्स की पावर 4 इस पूरी इक्वेशन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 2x^4 एक्स स्क्वायर माइनस 3x³ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जीरो से भी डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर तो वो 0 ही हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 से 2 टाइम कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से 1 टाइम कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये एक्स एक्स स्क्वायर से 1 टाइम कैंसिल होगा, यहां पर कैंसिल नहीं होता और ये 0 हो गया। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 माइनस 3 ओवर x प्लस 2 ओवर x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें से हम इसको रीअरेंज करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2 ओवर x स्क्वायर इसको हमने अलग कर लिया, उसके बाद माइनस 3x प्लस 3 ओवर x, यहां पर 3 को भी कॉमन ले लिया और माइनस को भी कॉमन ले, ये माइनस कॉमन आ गया और 3 कॉमन आ गया, एक्स 1 ओवर x और माइनस का 1 रह गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब ये आपके पास यहां पर भी आपने 2 कॉमन ले लेना, 2 को बाहर ले लेना, ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास 2 कॉमन, ठीक हो गया। अब बेटे इसी को आप कहते हैं इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 हो जाती है। आप लेट करें, लेट एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू वाई, इसको आप कह दें इक्वेशन 2। फिर आप इसी का स्क्वायर ले लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पर स्क्वायर ले, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये प्लस का 2 इधर इस साइड पर लेकर आएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2, ये प्लस का 2 इस साइड पर आएगा माइनस का 2 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 3। आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे जिसको हमने ये 1 कहा हुआ, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये 2 बाहर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, ये y स्क्वायर माइनस 2 हो गया, y स्क्वायर माइनस 2, उसके बाद माइनस 3 x प्लस 1 ओवर x, ये y के इक्वल और माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बेटे यहां पर ये 2 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आपका बन जाएगा 2y2, 2 को -2 से, -4, -3y, -1 -0. अब ये 2y2, -3y, -5 0, 5 to the 10, और यही पेयर आ जाएगा 2y2, -5y, +2y, -5 0. यहां से 2y कॉमन, सिर्फ y कॉमन नहीं है, y कॉमन नहीं है, 2y माइनस 5 हो जाए, प्लस का 1 कॉमन है, 2y और प्लस का माइनस का 5 इक्वल टू 0. अब 2y माइनस 5 इनटू y प्लस 1 इक्वल्स टू 0. 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 और y प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया. तो आपको पता है, आप लिखेंगे बट y इक्वल्स टू, y किसके इक्वल है, आपने लेट किया हुआ है x प्लस 1 ओवर x, x प्लस 1 ओवर x. तो जहां पर आपको y मिले वहां पर x प्लस 1 ओवर x ऐड कर लेते हैं. तो 2 इनटू x प्लस 1 ओवर x माइनस 5 इक्वल टू 0. यहां पर भी x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इक्वल टू 0. अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के लिए ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 2 ओवर x माइनस 5 इक्वल टू 0, और ये x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x इक्वल टू 0 हो जाए. यहां पर आप मल्टीप्लाई कर दें, 2x स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 5x इक्वल टू 0 हो जाए. अब आप इस पहली इक्वेशन को सॉल्व करें, 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x, इसको आप करें रीअरेंज, आपके पास ये इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0. इसके आप बना ले फैक्टर, इसके जो फैक्टर बनेंगे 2 to the 4, 4 to the 4, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0. यहां से आप 2x कॉमन ले, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले, x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया. अब यहां पर x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2. तो ये x की एक वैल्यू आ गई, और यहां पर ये x इक्वल टू 1 ओवर 2, ये x की दूसरी वैल्यू. अब दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, इसको भी आप रीअरेंज करें, x स्क्वायर प्लस x और प्लस का 1 इक्वल टू 0. यहां पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. अब आपके लिए यहां पर a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1. तो वैल्यू तो आपने पुट करनी है, x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 1 प्लस माइनस b स्क्वायर, b की वैल्यू 1 है तो b का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 4ac, a की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, तो 4 को 1 से फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 4 आ जाएगा. डिनोमिनेटर में 2a, a की वैल्यू 1, तो 2 1 द 2, वही 2 रह जाएगा. x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2, x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस
अंडर रूट थ्री आयोटा ओवर टू, ये आपके पास आ जाएगा जी एक्स की दूसरी वैल्यू। अब आप लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू पहले एक्स की वैल्यू टू है वो लिखेंगे, फिर वन ओवर टू है वो लिख देंगे, और उसके बाद माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा ओवर टू, ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गया। ठीक हो गया, ये आपने क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व कर लिए। अब आगे मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं जी 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, जी क्वेश्चन नंबर 22 के लिए जो हमारे पास वैल्यूज हैं 2x2 2x रेज टू पावर 4 2x रेज टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 4x2 माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो। अब ये क्वेश्चन और 21 वेरी सिमिलर क्वेश्चन। अब आप देखें इस पूरी इक्वेशन को आप 2x रेज टू पावर 4 एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर से आप इसको डिवाइड कर, बल्कि पहले आप लिख दें डिवाइडेड बाय x square से डिवाइड कर दिया। जब आप x square से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 2x raised to power 4 over x square plus 3x cube over x square माइनस 4x² ओवर x² माइनस 3x ओवर x² और प्लस 2 ओवर x² 0 को x² से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही रह जाएगा। अब आगे देखें बेटे, यहां पर आपके पास x² 2 टाइम कैंसिल होगा, x² 1 टाइम, x² से x² कैंसिल, ये वन टाइम और ये वैसे रह जाएगा। अब ये आपके पास आ जाएगा 2x² और यहां से आप ले लेंगे 2 ओवर x², फिर आपके पास रह जाएगा यहां पर 3x और यहां पर रह जाएगा आपके पास माइनस 3 ओवर x और माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब बेटे यहां से आप 2 कॉमन ले लें x² प्लस 1 ओवर x² हो जाए, फिर यहां पर प्लस 3 कॉमन ले लें x माइनस 1 ओवर x हो जाए। ठीक हो गया। उसके बाद माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको आप कह देंगे इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी आपकी। अब आप लेट कर लें, लेट x माइनस 1 ओवर x इक्वल टू y, इसको आप कहें इक्वेशन 2, फिर आप लिखें सिक्योरिंग बोथ साइड, यहां पर आप सिक्योर ले लें इसी इक्वेशन का, तो जब आप इसका सिक्योर लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास x माइनस 1 ओवर होल स्क्वायर इक्वल टू y होल स्क्वायर, ये होगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू y स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2, इसको आप कह देंगे इक्वेशन 3। अब आगे ये इरेज करें,
बेटे आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन टू एंड थ्री इन वन, इक्वेशन वन में पुट कर दीजिए यहां पर इस इक्वेशन में इसकी टू की और थ्री की वैल्यू, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी टू इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू, उसके बाद है प्लस थ्री इंटू वाई और माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई करें, यहां पर देखें वाई बोर्ड पे आपस में पुसर पुसर ना करें, टू वाई स्क्वायर प्लस फोर प्लस थ्री बाय माइनस फोर इक्वल टू जीरो, ये माइनस फोर प्लस फोर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, टू बाय स्क्वायर प्लस थ्री बाय इक्वल टू जीरो, यहां से बाय कॉमन ले बाय स्क्वायर टू बाय स्क्वायर, बाय कॉमन ले लिया टू बाय और प्लस थ्री रह जाएगा इक्वल टू जीरो हो गया। अब ये दो लीनियर फैक्टर्स बन गए, एक वाई इक्वल टू जीरो है और टू वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो है। आपको पता है बट वाई इक्वल टू, वाई किसके इक्वल है एक्स माइनस वन ओवर एक्स, तो जहां पर आपको वाई मिलेगा वहां पर उसकी वैल्यू एक्स माइनस वन ओवर एक्स पुट करेंगे, आपके पास आ जाएगा यहां पर एक्स माइनस वन ओवर एक्स इक्वल्स टू जीरो। इसी तरीके से यहां पर टू इंटू एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो, यहां पर एक्स से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो और ये टू एक्स माइनस टू ओवर एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन और यहां पर x से मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस थ्री एक्स इक्वल टू जीरो। अब बेटे यहां पर आप लेंगे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल टू प्लस माइनस वन स्क्वायर, ये हो गया कैंसल, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन रह जाएगा, तो एक्स की ये वैल्यू आ गई। फिर आगे है जी इसको आप कर दे रीअरेंज, यहां पर टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, आप इसके फैक्टर बना लेना, जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो इसको आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जी टू को टू से मल्टीप्लाई किया फोर बन गया टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो हो गया। अब यहां से टू एक्स कॉमन ले एक्स प्लस टू माइनस वन कॉमन ले एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स प्लस टू इक्वल और टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस टू और टू एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन ओवर टू, तो आप लिखेंगे इसका सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट इक्वल टू पहली वैल्यू प्लस माइनस वन और माइनस टू और वन ओवर टू, ये आपके पास आ गए। इस तरीके से हमारा लेक्चर नंबर फोर का जो नेक्स्ट पार्ट था वो भी कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।